Assalamualaikum and welcome back to another vlog. अच्छा, कल शो के बाद ज़रा हमने इसके साथ पटाखों के साथ बहुत ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी थी। ये बम्पर हमारा उतर गया था। और ऑयल जो है हमारा वो जल गया सारा। अब ज़रा इसके टैपर चैपर चेक करने हैं, ऑयल चेंज कराएंगे बाद में। ज़रा टैपर सेट करते हैं, प्लग्स वगैरह साफ़ करते हैं, थोड़ी सी ट्यूनिंग करके अब नॉर्मल उठा के गाड़ी। माशाल्लाह कंपाउंड पॉलिश ये वो हर चीज़ ओके फिट हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने पटाखे चला दिए थे। एक ये हमारे साथ बिलाल राजपूत की गाड़ी थी और एक अपनी गाड़ी। वैसे तो बहुत सही चल रही है, बट वो ऑयल हमारा सारा सड़ गया। गाड़ी हीट हो गई थी वहाँ पे पटाखों की वजह से, और ऊपर ना मतलब कह लो ऑयल जल के उसका धुआं बहुत निकल रहा है, गाड़ी के अंदर थोड़ा ब्लो आया हुआ। वो अल्लाह का शुक्र है और कोई मतलब बिग रोला नहीं है, गाड़ी चलने में बिल्कुल फिट है, हर चीज़ ओके, ना मिसिंग ना कुछ। बस ये है कि गाड़ी के हमने अभी प्लग साफ़ करने हैं, ट्यूनिंग करनी है सारी, टैपेट एडजस्ट करने हैं क्योंकि टैपेट हमारे टाइट हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी थोड़ी नहीं वाह वही गर्म हो गई थी। और हमने इसके अब से पटाखे बंद कर देने हैं, नॉर्मल पटाखे। इजी लाइफ, स्टॉक लाइफ, बड़ी गेम किंग जी हो गई हमारी। अभी बस गाड़ी ठंडी होने का वेट कर रहे हैं, फिर हम ये सारा सिस्टम खोलते हैं। प्लग्स खोलेंगे, टैपेट खोलेंगे, एडजस्ट करेंगे, देखेंगे ट्यूनिंग क्या चक्कर है, और इसको वापस ऑल गुड करते हैं। ऑयल भी चेंज कराना हमने बाद में। क्या लगता है टैपेट्स का? चेक कर ले तभी गाड़ी का ठंडा होने दे। जरा से इंजन अभी भी साफ ही अंदर से। ऑयल मुश्किल से मेरे ख्याल से 2000 चला है, लेकिन 2000 में से जितने पटाखे चल गए ना, जलना ही था इसने। ये मुझे लग रहा है ये जो कैंडल परफॉर्मेंस ऑयल था तो इतना चल गया, वरना किक्स तो ऐसे उड़ जाना था। ये टैपेट कवर हमारा इधर नीचे से इसको देखें क्या चक्कर है। ओहो, चेक करो, साफ़ सुथरा ही अभी, लेकिन ऑयल हमारा जल के बहुत पतला हो गया, हमने बहुत ज़्यादती की है, हमारी सारी चीज़ें उतर गई हैं। 1, 2, 3 and 4 ओके, 5, 6, 7 and 8 अंदर से इंजन चेक करो आप। इंजन अल्लाह का शुक्र ऑल गुड, बट ये ऑयल बहुत पतला हो गया, देखो पानी बन गया, जल गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, हम वापस गैराज पहुँचे हैं, ज़रा काम निकला था तो सारा कुछ पैक शैक हो चुका है। ये चेक करिए, अब हर चीज़ पैक कर दी वापस, मेन इसका जो ऑयल शॉयल चेंज होना है। अच्छा, तो अब सीन ये है कि गाड़ी चलने में भी थोड़ी सी बेहतर हुई है वापस, मतलब जैसे होनी चाहिए। ये असल में पाइप की बात है, पटाखों की जैसे पाइप के सारे रबड़ टूट गए हैं, बट स्टिल स्टे हम्बल। अभी हम जा रहे हैं भाई ऑयल, अपना गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं और इंशाल्लाह सारा कुछ ऑल गुड हो जाएगा फिर से। गाड़ी अभी बिल्कुल सही चल रही, कोई मिसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बस अब हमने पटाखे और नहीं चलाने, बस हो गई पटाखों से। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। अभी हम गैराज से निकल गए हैं, गैराज से निकल के जा रहे हैं भाई ऑयल, और देखते हैं हम कौन सा ऑयल डलवाएं, कैंडल ही डलवाएं या कोई और किसी और की तरफ जाएं, लेट्स सी। आपका भाई पहुंच गया भाई ऑयल पे। अभी हमने आज कैंडल नहीं डलवाना, आज हम सोच रहे हैं कि कौन से उस पर जाएं। ये मोटोल का भी नया अच्छा ऑयल है, मोबिल 1 भी है, बट मोबिल 1 हमने एक दफ़ा 88 में डलवाया था, उसने बहुत ज़्यादा सफाई कर दी थी। कैंडल पर हमारी गाड़ी चल रही है, वैसे कोई रोला तो नहीं आया। सोच रहे हैं क्या करें, मोटोल या कैंडल, लेट्स सी, डिसाइड करते हैं। अभी ज़रा रिसर्च करें इसके ऊपर, थोड़ा सोच विचार रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि मोटोल 1040 के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 लीटर का डब्बा है, 1040 में एक सिंगल लीटर वाला नहीं मिलता, या अभी अवेलेबल नहीं है, मिलता होगा तो इसलिए हम गोइंग बैक टू कैंडल। 1040 4 लीटर का डब्बा, और एक हम 1 लीटर वाला ये पकड़ेंगे। अब हम 4:30 गाड़ी में डलते हैं H23 के अंदर, तो
हम 5 लीटर लेते हैं क्योंकि आधा लीटर को मिलता नहीं, और आधा हम लीटर रख लेते हैं टॉपअप के लिए। बाकी अब हम वापस गोइंग टू कैंडल जी। कभी बार शक पड़ता है हमारा ऑयल फिल्टर भी सही नहीं था, लेकिन अब हम जेन्युइन ऑयल फिल्टर डालेंगे। इधर सारे गाड़ियों के जेन्युइन ऑयल फिल्टर अवेलेबल होते हैं, तो अभी हमने होंडा का ओरिजिनल फिल्टर डालेंगे जो एच सीरीज हमारे को बोल्ट ऑन आएगा। ज़रा अभी हल्का फुल्का फ़र्क ना हो, और साथ साथ अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी उस दिन हीट भी हुई है तो अपना कूलेंट भी चेंज कर लें, करेरा का कूलेंट डालते हैं। व्हाट डू यू से ब्रो? सब क्या गंदी बातें कर रहे हो यार। कूलेंट लाजमी हो गया है, सर्दियाँ आ गई हैं। वैसे गाड़ी हीट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी फिर भी हीट हुई है। उस टाइम तो सर्दी नहीं थी ना, जिस टाइम ले गए। हाँ जिस टाइम, वैसे गिर उस टाइम तो बहुत वो थी। इसके ऑयल के हालात देखे हैं, पता नहीं क्या ये ऑयल सही नहीं है। कौन सा डाला था? कैंडल। वो बिल्कुल इस दफा पता नहीं क्या हुआ, पिछले वाला ऑयल बिल्कुल सही था। इसके दफा वाश क्यों ना करवा ली है, अभी करवा के आया हूं। इंजन वाश। इंजन वाश। अच्छा वो फ्लश 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 मैं कहना सीले ना खराब कर दे बार बार। खराब क्यों करेगा, एक दफा यूज किया हुआ है। इंजन एक दफा फ्लश करें इसका। हां उसके बाद डालें। हम जित भाई कहते हैं कि एक दफा हम इसको फ्लश कर लें, जरा साफ सुथरा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा कि अंदर सारा सफाइयां सफाइयां होके फिर इसका नया ऑयल डाला जाए। अब हम कैंडल नहीं, हम मोटल का 10-40 ही डाल रहे हैं, 5 लीटर। कह रहे थे कि मैं आपको डब्बा खोल देते हैं, तो ठीक है। साथ ये हमारा फिल्टर, ये अच्छा फिल्टर है, जेन्युइन फिल्टर थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, तो इससे अच्छा हम ये डालेंगे, वो तकरीबन 1600-1700 का है। ये हम डालेंगे एक अकॉर्ड का, उन्हें CL7 की लिखा हुआ है, लेकिन चलो अकॉर्ड का इंजन है ये भी। रिलूड और अकॉर्ड ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही होती थी। हम ये ऑयल डालने लगे मोटुल 10-40। साथ हम डालेंगे इंजन फ्लश, 5 मिनट स्टार्ट रखेंगे और खलास। चलो चलो डाल दियो डाल दियो। इंजन फ्लश डाल दिया, अब इसके बाद हमने इसको 5 मिनट स्टार्ट रखना है। हाँ बस स्टार्ट करके फिर इसको सफाई करके निकालते हैं पुराना ऑयल। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए ऐसे ही। ये लो जी सीबी की बोतल पे लिखा हुआ है, हमने इसको 15 मिनट स्टार्ट रखना है हम, लेकिन इतनी देर ज़्यादा स्टार्ट नहीं रखेंगे, थोड़ी देर स्टार्ट रखते हैं और उसके बाद इसको बंद करते हैं। अभी तकरीबन कोई 1-2 मिनट हुए हैं, थोड़ा सा टाइम और देते हैं इसको कि ज़रा अंदर ज़रा यू नो क्लिनजिंग सही तरह कर दे प्रॉपर। बाकी यार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी गाड़ी माशाल्लाह चली है 1275 किलोमीटर। मीटर असल में हमने 0 मीटर कर दिया था, इसलिए चेक करो जी हमारा AFR कितना माशाल्लाह सेट खराब है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, बेहतरीन। लो जी बॉयज 10-12 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको बंद करते हैं, चलो फिर ऑयल चेंज करें। बंद हो गई, अब हम ऑयल चेंज करते हैं। इसमें डलता है 4.5 लीटर। नाइस, ये तो कुकिंग ऑयल वाली बोतल है। ओपनिंग सेरेमनी हो गई इसकी, अब हम ये। हाँ भाई ऑयल कैसा निकला नीचे, पानी की तरह बस। बोतल अच्छी है यार इसकी, सारे पैसे मेरे से बोतल के ही। इसको साफ करके ना बाद में इसमें हम बोतल भी पी सकते हैं। इसके आगे वो निप्पल लगा देंगे। कौन सा फीडर भी नहीं तूने दूसरे डब्बे से हमने 1 लीटर इसमें डाल के आधा लीटर इसमें छोड़ दिया, आधा लीटर हमने डाल दिया। ये हमारा ऑयल निकालना, कितना हो गया पूरा हो गया, 2 डॉट्स के ऊपर बीच में ही है। अल्लाह खैर कर सी ये ऑयल सही चले, इसके बाद एक हम ऑयल जल्दी चेंज करेंगे इसका। कौन सिगरेट पी रहा है मैंने जी? ऑयल हमारा पूरा हो ना हो, टिशू डब्बे कपड़े पूरे हो ना हो, ये चीज़ें हमारी पूरी होनी चाहिए। चलो भाई एक आपके लिए, एक अपने मदनी के लिए। अब हमारी गाड़ी इंशाल्लाह यार जैसे स्टिकर देख स्टिकर के कलर चेक कर, ब्यूटीफुल। हमने गाड़ी घर लाके खड़ी कर दी थी, गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है, कोई मसला नहीं आ रहा, गाड़ी मतलब मिसिंग शिशिंग नहीं कर रही, इंजन एग्जॉस्ट से धुआं नहीं निकल रहा। लो अभी भी थोड़ा सा है, पहले से बहुत कम हो गया,
हो सकता है हमारा पीसीबी वाल्व चोक हो गया हो, इसको हम खोल के साफ़ करेंगे, और नहीं हुआ उसके बाद भी तो फिर थोड़ा सा बड़ा मसला है, मतलब वो भी इतना बड़ा मसला नहीं, इंजन फारिग नहीं हुआ, हो सकता है पिस्टन के रिंग रोंग इधर उधर निकल गए हो, उसका मसला फिर वाल्व सील्स वगैरह सही बंद नहीं हो रही, देखते हैं अब आगे इंशाल्लाह। लेकिन रात को ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी भाई, आपका निकर शर्ट में था और मेरा मसल पुल हो गया, पट्ठा खींच गया, तो बड़ा बैड सीन हुआ है। फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ करो कि इंजन ओके रहे। अल्लाह हाफिज़।